हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लेविकल बोन। हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं, जिनमें से अपर लिम में 32 इन ईच अपर लिम, यानी कि टोटल 64 बोन्स होती हैं अपर लिम की। और यहाँ पर ये बोन है क्लेविकल बोन, जो कि सबक्यूटेनियस है। और ये जो इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये सिंगल लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल सिचुएटेड होती है। जैसे हमारी ह्यूमरस है, फीमर है, रेडियस अल्ना है, ये लॉन्ग बोन्स हैं, बट ये वर्टिकल सिचुएशन में ऐसे वर्टिकली हैं। बट ये जो है लॉन्ग बोन है, बट ये हॉरिजॉन्टल सिचुएटेड होती है। और इस बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी भी नहीं होती, जो कि लॉन्ग बोन का नॉर्मल फीचर है। तो इसमें मेडुलरी कैविटी भी नहीं होती। और इसका एक और खास बात है इसमें कि इसका जो ऑसिफिकेशन है, ऑसिफिकेशन मतलब न्यू बोन फॉर्मेशन जो होता है, तो ऑसिफिकेशन इसका इंट्रा मेम्ब्रेनस होता है। और यूजुअली जैसे हम बात करें कि जो ऑसिफिकेशन है वो दो तरह के होते हैं, एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन और इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इसका जो है फाइब्रस मेम्ब्रेन से ऑसिफिकेशन होता है, और इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बहुत ही कम बोन्स में होता है, जैसे स्कल बोन में, स्कल की फ्लैट बोन्स में होता है। आपका क्लेविकल बोन है जिसमें इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है, मैंडिबल है जिसमें इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिक खास बात होती है। और ये फर्स्ट बोन है विच इज स्टार्ट टू ऑसिफाई, सबसे पहली बोन है जिसमें ऑसिफिकेशन शुरू होता है। और ये इसकी एक और चीज़ है कि इसमें जो ऑसिफिकेशन है, इसमें दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ऑसिफिकेशन के, एक शाफ्ट, दो शाफ्ट में होते हैं, और एक सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है जो कि मीडियल एंड के लिए होता है। ये हमारी क्लेविकल है, ये मीडियल एंड है, ये लैटरल एंड है। तो जो ऑसिफिकेशन है इसमें जो प्राइमरी सेंटर है वो उसके शाफ्ट में होते हैं, जो कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ वीक ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ में स्टार्ट होते हैं, अपीयर होते हैं एंड फ्यूज होते हैं 45 डेज पर। और जो सेकेंडरी सेंटर होता है वो मीडियल एंड के लिए होता है। मीडियल एंड कौन सा है? स्टर्नल एंड, जो कि नियर स्टर्नम होता है। और ये ऑसिफिकेशन सेंटर 15 टू 17 ईयर्स में अपेयर होते हैं और फ्यूज होते हैं 21 टू 22 ईयर्स में। अब ये जो क्लेविकल है ये मीडियली स्टर्नम से अटैच होती है, ये मीडियली स्टर्नम से अटैच होती है। कौन सा जॉइंट बनाएगी? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, क्लेविकल एंड स्टर्नम, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और लैटरल साइड में ये, यहाँ पर क्या है हमारी स्कैपुला, पीछे से स्कैपुला बोन आई हुई है, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होती है और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। ओके और ये जो जॉइंट, ये आपका अगर आप देखिए यहाँ पे, ये स्टर्नम है, ये मैनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम है, मैनुब्रियम पार्ट। इस मैनुब्रियम स्टर्नम में यहाँ पर क्लेविकुलर नॉच होती है, क्लेविकुलर नॉच ऑफ मैनुब्रियम स्टर्नाई, जहाँ पर मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल इसके साथ में जॉइंट बनाता है। और यहाँ पर ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये आपकी है स्कैपुला बोन और ये है एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुलर बोन के साथ यहाँ पर ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। तो यानी ये मीडियल एंड लैटरल। अब इसको हम साइड डिटरमिनेशन कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि मीडियल एंड कौन सा है, लैटरल एंड कौन सा है? तो ये एक्चुअली लैटरल में फ्लैट होती है और इसमें एंटीरियर बॉर्डर, मतलब ये इस तरीके से फ्लैट होती है लैटरल साइड में, उसमें एंटीरियर बॉर्डर होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, सुपीरियर सरफेस होती है, इन्फीरियर सरफेस होती है। लेकिन मीडियल साइड में ये राउंडेड होती है और ये क्वाड्री लैटरल होती है। तो क्वाड्री लैटरल मतलब ये कुछ इस तरीके से होती है कि सरफेस इसकी सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो आप उसे देख सकते हो, इसका साइड डिटरमिनेशन कर सकते हो। ये मीडियली, इसमें क्या होता है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मीडियल टू थर्ड एंड लैटरल वन थर्ड। मीडियल टू थर्ड एंटीरियरली कॉन्वेक्स होता है, इस तरीके से एंटीरियरली कॉन्वेक्स होता है, और लैटरल वन थर्ड कॉनकेव होता है। सी दिस पिक्चर, एंटीरियरली ये जो है मीडियल वन टू थर्ड पोर्शन है जो कि कॉन्वेक्स है, और लैटरल वन थर्ड पोर्शन जो है वो आपका कॉनकेव होता है। ये मीडियल एंड एक्सटर्नल एंड, और ये है आपका लैटरल एंड, और इसे हम कहते हैं एक्रोमियन एंड, क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ में जॉइंट बनाता है। और जो बीच का पोर्शन है उसको हम कहते हैं शेफ्ट, फाइन। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहाँ पर एक ट्यूबरकल होता है, ट्यूबरकल मतलब थोड़ा उठा हुआ सा पोर्शन होता है, ट्यूबरकल होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉनोइड ट्यूबरकल। ओके, कॉनोइड ट्यूबरकल। और यहाँ पर जो इसकी ये जो आपका इन्फीरियर सरफेस है वहाँ पर ये एक ट्रैपेजॉइड रिज भी होती है वहाँ पर। ओके, अब इसमें जो जॉइंट, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ों का कनेक्शन होता है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें अटैच होती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एक और चीज़ जानना है कि जो ये आपकी इन्फीरियर सरफेस है, ये सुपीरियर सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस है, इसमें
यहाँ पर एक वो होती है, ग्रूव होती है, दैट इज नोन एज सबक्लेवियन ग्रूव, क्योंकि यहाँ पर सबक्लेवियन मसल का इंसर्शन होता है. सबक्लेवियन ग्रूव, सबक्लेवियन मतलब क्लेविया, जो क्लेविकल है उसके नीचे, उसको बोलेंगे सब, तो सबक्लेवियन ग्रूव हो गई. और जो ये सबक्लेवियन ग्रूव है, इसका जो मोस्ट लैटरल एंड होता है, मतलब ऐसे यहाँ पर नीचे ग्रूव है, इस ग्रूव का लैटरल एंड, मोस्ट लैटरल एंड पर यहाँ पर एक फोरामेन होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन. न्यूट्रिएंट फोरामेन इसलिए क्योंकि यहाँ से आर्टरी जो होती है यहीं से एंटर करती है, जो कि इस बोन को न्यूट्रिशन देने का काम करती है. कौन सी आर्टरी है? विच इज अ ब्रांच ऑफ सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी. ब्रांच ऑफ, ये क्लेविकुलर नाम नहीं है यहाँ पर, स्कैपुलर के नाम से है. तो इट्स अ ब्रांच ऑफ सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी विच एंटर्स थ्रू दिस न्यूट्रिएंट फोरामेन. जो मीडियल एंड है, इन्फीरियर सरफेस पर एक इंप्रेशन होता है, फॉर विच लिगामेंट? कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट. एक्चुअली कोस्टो हम स्टर्नल, जो कोस्टो है रिब्स के लिए बोलते हैं, तो बीच में होता है आपका कोस्टल एंड होता है, ये स्टर्नम के नियर बाई जो एंड है उसको हम कोस्टो भी कह सकते हैं. तो इट इज कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट रिब होती है उसके साथ इस लिगामेंट का अटैचमेंट रहता है. सो इट इज कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट. ओके, सो दिस इज अबाउट दी साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लेविकुलर बोन. अब हम बात करेंगे कि इसमें जो अटैचमेंट है वो किस किस तरीके से होता है. तो इसके लिए हमने एक ये सुपीरियर सर्फेस का डायग्राम बनाया है, ये इन्फीरियर सर्फेस का डायग्राम बनाया है. इसमें ये मीडियल एंड है, यहाँ पर ये लैटरल एंड है. ओके, अब इसमें जो अटैचमेंट हम देखेंगे कि भाई ये देखिए आप इधर लैटरल की बात करते हैं पहले. लैटरल वन थर्ड में क्या क्या अटैचमेंट है? तो लैटरल वन थर्ड में ये जो एंटीरियर बॉर्डर है, इससे डेल्टॉइड का ओरिजिन होता है. ये ओ मैंने ओरिजिन के लिए लिखा है. तो आप देखेंगे भी ये डेल्टॉइड मसल होती है, ये हमारी क्लेविकल है, तो क्लेविकल का लैटरल एंड ये हो गया. अब क्योंकि ये डेल्टॉइड मसल है, अगर आप देखेंगे तो ये एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि ये इसी तरीके से आएगा, एंटीरियर बॉर्डर से लैटरल साइड से डेल्टॉइड का ओरिजिन हो रहा है. पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपेजियस का इंसर्शन होता है. ट्रेपेजियस कौन सी मसल होती है? ट्रेपेजियस बैक की मसल होती है, ऊपर वाली, ये ऐसे ट्रायंगुलर मसल होती है बैक की. तो उसका जो इंसर्शन है वो आपके, क्योंकि बैक की मसल है तो कौन सी सरफेस पे होगा? पोस्टीरियर बॉर्डर पे होगा. तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे आपका ट्रेपेजियस का इंसर्शन रहता है. ओके, और जो जो आपकी इन्फीरियर सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस पर सब क्लेवियस का इंसर्शन होता है. क्लेविकल और जो सेकेंड रिब है उनके बीच में ये मसल होती है, जिसको हम सब क्लेविस, क्लेविकल के नीचे सब क्लेविस मसल. तो सब क्लेविस का इंसर्शन सब क्लेवियन ग्रूव पे होता है. ओके, और यहाँ पर दो लिगामेंट का भी अटैच, तो तीन तो हो गए आपकी मसल. एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड मसल, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपेजियस का इंसर्शन, इन्फीरियरली सब क्लेवियस, और दो हो गए आपके मतलब दो पार्ट हैं, कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट, क्योंकि एक्रोमेन प्रोसेस उसके नाम से है, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला होता है जिसके साथ अटैचमेंट होता है यहाँ से. सो कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट, जिसमें यहाँ पे क्योंकि कोनॉइड ट्यूबरकल है तो इसका नाम हो गया कोनॉइड पार्ट, और ये ट्रेपेजॉइड रिज होती है इसलिए इसमें हो गया ट्रेपेजॉइड पार्ट. सो ट्रेपेजॉइड एंड कोनॉइड पार्ट ऑफ कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट. हमेशा एनाटॉमी में जो भी नाम होता है उसको डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, तो आपको उसके बारे में एक आइडिया हो जाता है. जैसे एक कोराको क्लेविकुलर, तो क्लेविकल का कोराकोइड प्रोसेस से अटैचमेंट है, मतलब उसके नाम से एक ही लिगामेंट है. फाइन, तो ये आपका हो गया मसल्स एंड दी अटैचमेंट ऑफ कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट ऑन द लैटरल साइड के अटैचमेंट है. अब मीडियल जो टू थर्ड है उसमें क्या क्या अटैचमेंट होता है? तो देखो यहाँ होती है मसल पेक्टोरिस मेजर मसल, जो यहाँ पर ये पेक्टोरल एरिया होता है उसकी जो मसल होती है वो आपकी पेक्टोरल मसल होती है. तो एंटीरियर सरफेस, क्योंकि ये आपकी क्लेविकल है तो एंटीरियर सरफेस से ओरिजिन होगा. एंटीरियर सरफेस से ओरिजिन होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल का. ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो सुपीरियर सरफेस है इससे होता है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड. सुपीरियर सरफेस से स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है. स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड कौन सी मसल होती है? नेक की मसल होती है, जो कि यहाँ ऐसे करके आ रही होती है. ठीक है, ऐसे. तो अब ये क्लेविकल है तो क्लेविक और ये मसल यहाँ पर है, तो इसका मतलब सुपीरियर सरफेस से ही आपको इसका ओरिजिन लेना पड़ेगा. तो इसका स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड का सुपीरियर सरफेस से ओरिजिन हो गया, पेक्टोरलिस का एंटीरियर से हो गया. ठीक है, तो दो मसल तो ये हो गई तुम्हारी.
उसके बाद में जो इन्फीरियर सरफेस होती है, इन्फीरियर सरफेस पर अटैचमेंट होता है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट. अगेन द नेम कोस्टो से आ गया आपका, क्लेविकल एंड कोस्टो रिप्स के लिए. तो कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट इन्फीरियर सरफेस पर अटैच हो रही है. दूसरा जो पोस्टीरियर सरफेस होती है उसमें स्टर्नो हाइड मसल होती है, पोस्टीरियरली मीडियल एंड से स्टर्नो हाइड मसल होती है. सो दीज आर द डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ द डिफरेंट मसल्स एंड द लिगामेंट्स ऑन द क्लेविकल. ओके, अब ऑसिफिकेशन में आपको समझ आ गया कि आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए देख लिया. दो प्राइमरी हैं जो शेफ्ट से होते हैं और एक मीडियल एंड से होता है, और इसमें समटाइम्स लैटरल एंड या एक्रोमेन एंड से भी ऑसिफिकेशन का कोई सेंटर बन सकता है. अब अगर हम इसकी क्लिनिकल एनाटमी की बात करें तो यहाँ पे जो मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3 है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत वीक पॉइंट होता है. तो जब भी आउट स्ट्रेच हैंड से अगर कोई आदमी गिरता है तो वहां पर इस एरिया में फ्रैक्चर होता है. मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3 उनके बीच में फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन होता है. ओके, और अगर हम बात करेंगे कि भाई एक होता है क्लिनिकल प्रॉब्लम क्लेडोक्रैनियल डिस्टोसिस. कई बार क्या होती है, जो इसका डेवलपमेंट है, कॉन्जेनेटल एबनॉर्मलिटी होती है, डेवलपमेंट या तो हो नहीं पाता या फिर एबनॉर्मल हो जाता है, जिसको हम क्लेडोक्रैनियल डिस्टोसिस. डिस माने होता है एबनॉर्मल, ऑस्टोसिस माने बोन का फॉर्मेशन. तो एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन होता है और ये क्लेडोक्रैनियल इसका नाम है. तो इसमें क्या होता है कि जो, क्योंकि ये जो बोन है क्लेविकल, ये शोल्डर को प्रोटेक्शन देके रखती है, शोल्डर को अपनी जगह पे रखती है. ओके, और क्या करती है, जो बोन, जो आपका हैंड का पे जो वेट है, जैसे आपने कोई चीज़ उठाई तो जो हैंड पे वेट आता है उसको ये थ्रू क्लेविकल ये स्टर्नम पे आ जाता है. तो यानी कि ये वेट बियरिंग, जो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है, वेट बियरिंग है, उसमें भी हेल्प करने का काम करती है. अब अगर ये एबनॉर्मलिटी हो जाए कॉन्जेनाइटल इसमें, तो क्या होता है, जो शोल्डर है वो ड्रूपिंग हो जाता है. ठीक है, क्योंकि अपनी जगह पे सही से नहीं रख पाएगा, तो ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर होता है. साथ में ये मीडियल इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि इसने तो उसको अपनी जगह पे रखा हुआ है शोल्डर को, लेकिन ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा तो मीडियली इस तरीके से ये नॉर्मली हो सकता है. सो दीज आर अबाउट दी डिफरेंट अटैचमेंट ऑरिजिन, डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ द डिफरेंट मसल्स एंड देयर ऑसिफिकेशन प्रोसेस एंड द अप्लाइड पार्ट. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.